से न्यू निकली थी कि भाई फलानी कंपनी आड़ा कोई गलत है ना, उसके मुंह तक न्यू लिकड़ी थी कि वो और वो गुड़गांव गए थे केडी, और वो लगभग हो गए 6 महीने के आसपास तब मुलाकात हुई थी। तो हमारी आने वाली पीढ़ी का है, उनका एंटरटेनमेंट करेंगे। हाँ, राजू आएगा कलाकारी के रूप में, कोई उधर चला गया जी मेरे दौरे जी 7,000 रुपये में है गाना करते होने, उन्हें 7,000 आड़े के भी करे। 12 साल छोटा है तू, क्यों बाबू कह है? बोला जब तू पूरा हरियाणा तेना बाबू कहने लाग रहा है तो मैं नहीं कह सकता कि भाई शब्द नहीं है मेरे पास, और मैं फिर अभी मेरा मूड भी नहीं है। और राजू भाई की आत्मा को शांति मिले, क्योंकि जो आघात हुआ है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि पहले फिल्में बनती थी हरियाणवी, और अब फिल्मों का दौर ख़त्म हो चुका था, काफ़ी गैप हो गया था, और हरियाणा का कल्चर के नाम पे बिल्कुल नाम ख़त्म हो गया था। तो राजू भाई जैसी शख्सियत ने जो म्यूजिक लाइन में जो हरियाणा को उभारा है आज पूरे देश विदेश में, तो राजू भाई का 100% हाथ है इसमें। और मैं तो ये कहूँगा कि उनको भगवान श्री चरणों में जगह दे, और राजू भाई मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे सबके दिलों में। उनके गाने भी ऐसे ही बजते रहेंगे जैसे लता जी के। कभी बातचीत हुई उनसे? मैंने उनके गाए हुए लगभग 100 से ज़्यादा गाने किए हैं एज एन कैरेक्टर आर्टिस्ट फादर के भूमिका में, और काफ़ी हमारी ढेर सारी बातें भी होती थी। तो मैं ये कहता हूँ कि उस इंसान में कोई कमी थी ही नहीं, ना उसके मुंह से न्यू निकली थी कि भाई फलानी कंपनी आड़ा कोई गलत है, ना उसके मुंह से न्यू निकली थी कि वो आर्टिस्ट ईसा है। वो सबके लिए पॉजिटिव था, सबके लिए। सर, लास्ट बार वो गुड़गांव गए थे केडी, और वो लगभग हो गए 6 महीने के आसपास तब मुलाकात हुई थी। लास्ट गाना कौन सा आपने किया था दोनों ने साथ मिलकर? भाई गाना तो गाने गाने हैं मेरे, याद कौन है। सर, एक छोटे से गांव से उठ के इतना बड़ा नाम हरियाणा में कमाया, राजस्थान के थे, दरअसल क्या है कि जो कलाकार होते हैं ना, आम आदमी माँ बाप की औलाद हो है, एक परिवार की औलाद होती है, लेकिन कलाकार ईश्वर का बच्चा होता है। ईश्वर ने उसको भेजा था हमारे मनोरंजन के लिए, और ईश्वर ने उसको अपने पास बुला लिया। फिर किसी नए रूप में राजू जी हमारे बीच में आएंगे, और फिर अगली सदी का या जो हमारे आने वाली पीढ़ी का है उनका एंटरटेनमेंट करेंगे। हाँ, राजू आएगा कलाकारी के रूप में। उसका तो कमाल का था, उसे तो मेरे ख्याल में माने से कौन है हरियाणा इंडस्ट्रीज में, क्योंकि खिच्चा ताणी बत्ती रखा रहा, वो मस्त आदमी था। कोई उधर चला गया जी मेरे दौरे जी 7,000 रुपये में है गाना करते होने, उन्हें 7,000 आड़े के भी करे, और उन्हें भाई 1,00,000 रुपये आड़े के भी करे, सबको अपने स्टूडियो से उस बंदे ने खुश होके भेजा। इतना बड़ा राजू पंजाबी का नाम था हरियाणा जगत के अंदर, पूरे राजस्थान हरियाणा पंजाब में। आज भी सर परिवार है जो इतनी बड़ी गरीबी से है, जो जूझ रहा है इस पे सर? दरअसल क्या है कि कलाकार फकीर होता है, उसको न्यू कौन है आगे भाई, जिस परिवार में वो रहता है, ये मेरे साथ भी है, जिस परिवार में उसका जन्म हुआ है उस परिवार में उसका मन नहीं लगता, उसका मन लगता है कलाकारों के बीच में। अब कलाकारों के स्टूडियो में चले जाओ, जिस तरह हम राजू के स्टूडियो में चले जा रहे थे, तो उड़े भी 24 घंटे भंडारा चलया करता, और भाई रात ने कलाकार 1 बजे आगे बना लो रोटी खान पीन का, चाह बना लो ये वो। तो कलाकार ये नहीं सोचता कि मैंने पैसे जोड़ने हैं या कमाना है या ये करना है वो करना है, वो फकीर अंदाज में जीता है, और फकीरी ही अंदाज में वो परमात्मा के पास चला जाता है। परिवार की स्थिति कैसी है? परिवार की देखो अभी ऐसी बात नहीं है, 2 बिटियां हैं राजू भाई के, और दोनों बिटियां वो राजू भाई की नहीं है, वो हम सब कलाकारों की हैं, और हम उस परिवार के साथ तन मन धन से जुड़े हुए हैं, कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। कोई आर्थिक तौर पर सहयोग से फिल्म इंडस्ट्री को देखेंगे? अभी बात चल रही है, बाकी हरे कृष्णा, और मैं फिर कहूँगा कि राजू भाई अमर रहेंगे जब तक हरियाणा रहेगा या हिंदुस्तान रहेगा, इस धरती पर आदमी रहेंगे, राजू भाई का नाम हमेशा जिंदा रहेगा हमारे दिलों में, हमारी संस्कृति में, हमारे बच्चों में, हमारे बुजुर्गों में, क्योंकि उसने इसी से गाने गाए हैं कि बुजुर्ग भी उनके गाने गुनगुनाते हैं। जी सर, रियल में फादर का रोल आपने किया, आज जो राजू पंजाबी आपके बेटे की तरह चले गए, भाई ये
थोड़ा मार्मिक सा है आपका क्वेश्चन, लेकिन एक जैसे मोस्टली मैंने सभी कलाकारों के फादर की भूमिका निभाई है, तो राजू भाई मगा यार तू तो मेरे तक घना वो कौन है, एक 10-12 साल छोटा है, तू क्यों बाबू कह है? बोला जब तू पूरा हरियाणा तने बाबू कहने लाग रहा है तो मैं नहीं कह सकता कि मगर कह ले। तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे, पैर छूते थे और बड़ा प्यार दिया था उन्होंने, जितना भी सफ़र रहा बहुत प्यारा, और मेरे लिए नहीं सभी कलाकारों को उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया, और कोई भी कलाकार ऐसा नहीं बता जो यहाँ पर नहीं आया हो। हरे कृष्ण।